देखिए आज गौ माता बहुत पीड़ा में है, गौ माता के झलकते आंसू देखे नहीं जा रहे हैं। सरकार एसी के कमरे में बैठी बैठी घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पे हकीकत कुछ और ही है। आज राजस्थान में लगभग 5 लाख गायों ने दम तोड़ दिया है, गायें सड़क पर उनकी लाशें पड़ी है, बदबू मार रही है, सरकार के नुमाइंदे वहां से निकल रहे हैं, विदेशों से चीते मंगवाए जा रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए की उनकी व्यवस्था कराई जा रही है, उनको खाने के लिए मांस मीट मंगवाए जा रहे हैं। आज हम ये हमारे दिल इस चीज के लिए रोता है कि हमें यहाँ मांस खाने वाला भक्षण करने वाला चीता नहीं, हमें दूध देने वाली गाय की सुरक्षा करने का समय है। लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। वो कोई भी सरकार किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहती, गौ माता के नाम पे केवल वोट लेकर सत्ता में आना चाहता है ये लोग। लेकिन गौ माता के हाय लगेगी, जिस प्रकार से लंबी बीमारी ने गौ माता को निशक्त और कमजोर कर दिया है, और आज उनके किसी प्रकार की पोषाहार की, उनके लिए अनुदान की, उनके गौशाला में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रही सरकार। यदि ये गौ भक्त नहीं होते तो अब तक गायों के लाशों के ढेर लग जाते। अगर समय रहते सरकार अगर गायों की शुद्ध नहीं लेती है तो ये माजरा हमें देखने के लिए मिलेगा कि लाशें सड़ेगी, और ये बीमारी आने वाले समय में मनुष्य में भी जा सकती है, अन्य जीव जंतुओं में जा सकती है। सरकार को समय रहते शुद्ध लेनी चाहिए। और मैं मोदी सरकार और राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत को, कि आप ओलंपिक करवाने और उधर मोदी सरकार चीतों को मीट खिलाने में व्यस्त न रहे। आप गौ माता के लिए कोई बड़ी घोषणा करें, कोई बड़ा बजट लेकर आए और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें, किसानों को मुआवजा दे। किसानों की गाय जब मरती है तो उसकी आत्मा रोती है, बड़ी मुश्किल से उस गाय को पाल के बड़ा किया जाता है और उनकी लाशें आज देखी नहीं जा रही। आज खुद गौ माता सरकार के प्रशासन के सामने यहाँ खड़ी होकर अपने आंसू बहा रही है। देखते हैं इस सरकार के दिल पसीजता या नहीं पसीजता, और अगर नहीं पसीजेगा तो इस गौ माता की हाय इनको 2023 और 2024 में जरूर लगेगी। आरएलपी जिलाध्यक्ष अजमेर।